हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिशा एजुकेशन। तो आज हम आपके लिए कोई नई जॉब वैकेंसी लाए हुए हैं जो कि ग्राम पंचायत सचिव की है। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही न्यू जॉब्स अपडेट्स पाना है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अपन अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ आसाम की जॉब है जो कि न्यू सचिव की है। ठीक है, जिसमें 27 अगस्त से इसकी स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट में बात करूँ इसकी तो 17 लास्ट डेट है। आप इसकी www.ruler.assamgovernment.in पर आप जाके चेक कर सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से सब कुछ दिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फिर कुछ लोग कमेंट करके बताते हैं भाई ये वाले नोटिफिकेशन तो है ही नहीं और इतनी जॉब नहीं है, तो ये फिर इसलिए हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही आपको डिटेल में पूरा बता देते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, हम जब उसको लिखते थे, टाइपिंग करते थे, हम उसको आपको शॉर्ट शॉर्ट में पूरा बता देते थे, बट बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ये गलत है, तो फिर अब हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आपको डायरेक्ट लेके चलते हैं। पोस्ट वाइज वैकेंसी है इसमें, आप देख लीजिए, असिस्टेंट ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर की पंचायत की है, फिर ये ब्लॉक की है, WNC की, सीनियर ग्राम सेवक की है, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की है, टोल कलेक्टर की है, जूनियर असिस्टेंट की है, जिसमें 1000 कितनी भर्ती है, इसमें 1004 भर्ती हैं, वैकेंसी हैं। ठीक है, जो कि पंचायत ऑफिसर से की है उसको 39 वैकेंसी है, जो कि 14000 से स्टार्टिंग है, तो 60000 लास्ट है, जिसमें GP जो कि मिलता है, इनको ग्रेड पे मिलता है पर मंथ का, वो 7500 ऊपर है, मतलब कि 14000 और 7500 हैं कि 22500 23500 के समथिंग है आपको पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको वैकेंसी है इसकी 14000 से, तो मिनिमम मैक्सिमम 60000 तक इसका पूरा पे है। अब मैं आगे बात करूँ इसकी जो कैटेगरी वाइज है, वो आप इसको डिटेल रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट ऑफ मैन एंड वुमेन सभी लोग इसका भर सकते हैं, ST ST OBC MO BC, मतलब सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये इसमें यहाँ पर पूरी वैकेंसी दी गई है कि टोटल ST के लिए कितनी है, OBC के लिए कितनी है। ठीक है, जो एलिजिबल क्राइटेरिया है, वो कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, नेशनैलिटी, पहले तो आप भारत के होने चाहिए, ठीक है, भारत के पास आप आसाम के नागरिक होना चाहिए। ठीक है, आपके पास ही मस्ट हैव रजिस्टर्ड हिज हर नेम इज एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ आसाम। आपका नाम किसी भी आसाम के किसी भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज होना चाहिए। ठीक है, जो एज है वो इसकी मैक्सिमम 38 साल है, मिनिमम 18 ईयर्स है, 5 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू ST SC, मतलब कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, 5 साल का ST SC को, 3 साल का OBC को इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। आपको पूरी डिटेल जानने के लिए आपको लास्ट तक जरूर रुकना पड़ेगा। तो आप चलिए अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांग रहे हैं ये लोग। तो ये लोग बोल रहे हैं कि इसमें सभी पोस्ट के लिए तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, बट इसमें एक पोस्ट ऐसी है जिसमें आपको ग्रेजुएट तो होना चाहिए, बट किस से, कॉमर्स से ग्रेजुएट होना चाहिए, जो है ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की जॉब। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट पासेस फेयर नॉलेज ऑफ एनी लोकल लैंग्वेज, आपको अपनी लोकल लैंग्वेज का भी ज्ञान होना चाहिए, आइदर जैसे कि आसामी, बंगाली, बोडो, वन इन एडिशनल इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए थोड़ी बहुत। जो फिजिकल फिटनेस है, कैंडिडेट शुड बी हेल्थ बोथ मेंटली एंड फिजिकली एंड फ्री ऑफ ऑर्गेनिक डिफेक्टेड बॉडीली, मतलब आपके जो भी ऑर्गन्स है बॉडी में वो कोई डिफेक्टली नहीं होना चाहिए, आप फिजिकली यानी कि दिमागी संतुलन भी आपका सही होना चाहिए। ठीक है, आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हो, कैंडिडेट हैव रिक्वायर्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ पोस्ट मेंशनड, जो भी आपको ऊपर जो क्वालिफिकेशन दी गई है आप उसके हिसाब से आप इसका भर सकते हो फॉर्म। पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगा हुआ है इसमें, इसकी डिटेल आप नोटिफिकेशन पर आप चेक कर सकते हो कितने साइज का ये है। ठीक है, GPG में 4.5 × 7.5 सेंटीमीटर का है, मेगा पिक्सल में इतना सेंटीमीटर का ये है। इसमें आपको सिग्नेचर चाहिएंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए चाहिएंगे, उसके बाद आपको मोड ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 2 फेज होते हैं, रिटर्न एग्ज़ाम होता है 100 मार्क्स का होगा, OMR सीट पर होगा। ठीक है, 100 प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी कि 100 मार्क्स के और 100 नंबर के रहेंगे, जिसमें आपको 1/2 नेगेटिव मार्किंग दिखेगी। द क्वेश्चन विल बी सेट इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में आपको क्वेश्चन रहेंगे,
जैसे कि पहले वाले में सोचा अगर लॉजिकल रीजनिंग, सेकंड वाले में जनरल नॉलेज और थर्ड वाले में जनरल इंग्लिश आपको हो जाएगी। टाइम ड्यूरेशन वो बता दूँ तो आपको 2 घंटे टाइम ड्यूरेशन रहेगी। ठीक है, अपन इसमें और आगे बात चलते हैं। तो आपको इसमें कुछ जॉब से जिसमें आपको कुछ 2 साल का एक्सपीरियंस, 2 से 4 साल का, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आप ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ठीक है, अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, दिशा एजुकेशन, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हम इसकी नोटिफिकेशन की, इसकी वेबसाइट की सभी की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपको बता देते कि आप इस नोटिफिकेशन तक कैसे पहुँच सकते हो। जैसे ही हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे, आप उस पर क्लिक करिएगा, आप डायरेक्ट पहुँचोगे इस ऐसे वाले फेज पर। ठीक है, जहाँ पर लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ आसाम, आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट वहीं जाओगे। सीधा यहाँ पर लिखा होगा एडवर्टाइजिंग फॉर फिलिंग यूपी 1004 नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वैकेंसी अंडर PNRD डिपार्टमेंट आसाम। आपको उस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कुछ टाइम रुकना है नेट के हिसाब से। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाएगा एडवर्टाइजिंग और डिटेल, तो आपको डिटेल पर क्लिक करना है। तो जब आप जस्ट डिटेल पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।